जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर पॉलीसेकेराइड के बारे में। हम आज अध्ययन करने वाले हैं ये पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं और साथ ही साथ में इन एग्जाम्पल के प्रमुख गुण क्या होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन सभी पॉइंटों के बारे में हम आज के सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के दो जो वर्गीकरण होता है मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, इनका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, आप सभी ने वो वीडियो देख चुके होंगे। आज का हम अध्ययन करते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में, तो आप भी अपने कॉपी पेन लेकर बैठेगा और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अब हम अध्ययन करते हैं कि पॉलीसेकेराइड किस कहते हैं किसे हैं। तो पॉलीसेकेराइड कहते हैं किसे हैं, तो ऐसी शर्कराएं। पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं, तो ऐसी शर्कराएं जिनका जल अपघटन होने पर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं, उनको हम पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें 10 से कम अगर हमें मोनोसेकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती है तो वो हमारा ओलिगोसेकेराइड होता है, और जिनका और जल अपघटन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही वो मना कर देते हैं, उनको हम मोनोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। ये मैंने शुरू में भी बता दिया था आपको। और नेक्स्ट आता है हमारे पॉलीसेकेराइड के अंदर कि जो ये सारे पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, यानी कि अनअपचायिक शर्करा होते हैं। क्या होते हैं, अनअपचायिक शर्करा होती हैं। अभी अनअपचायिक शर्करा क्या होती है, तो ऐसी शर्कराएं जो फेलिंग परीक्षण या फिर बेंडिंग परीक्षण नहीं देते हैं उनको हम अनअपचायिक शर्करा के नाम से जानते हैं। अपवाद के रूप में हमें केवल दो चीज़ें याद रखनी है, नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा जो हमारा सुक्रोज होता है, सुक्रोज भी क्या होता है, हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो ट्रेहलोज जो होता है वो भी क्या होता है, हमारे अनअपचायिक शर्करा के रूप में इसको काउंट किया जाता है। ये अपवाद होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और सारे के सारे जो होते हैं पॉलीसेकेराइड वो कैसे होते हैं, अनअपचायिक शर्करा के उदाहरण होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये जो सारी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, इस स्लाइड के अंदर जो भी चीज़ लिखी है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इसी वजह से अगर आप 10 सेकंड भी इस वीडियो को स्किप करोगे तो उसमें नुकसान आपका ही होगा। अगला जो हमारा बिंदु आता है पॉलीसेकेराइड के अंदर वो क्या आता है कि इनका जल, अब ये जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होती है तथा स्वाद में ये मीठे नहीं होते हैं, जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें स्टार्च के रूप में हम जनरली भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं स्टार्च, जैसे हम बात करें आलू हो गया, आलू के अंदर स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, जब हम उसका हम सेवन करते हैं तो वो हमें बिल्कुल स्वादहीन लगता है, तो वो क्या होता है, मीठा नहीं होता है। जैसे हम बात करें गेहूं का आटा होगा वो एक हमारा स्टार्च होता है, इसी प्रकार हम बात करें मक्का का आटा होगा वो भी हमारे एक तरह से स्टार्च होता है। तो क्या होता है, जब इनका हम भोजन के रूप में सेवन करते हैं तो ये हमें मीठे नहीं लगते, इसी कारण से ये कैसे होते हैं, स्वादहीन होते हैं, ये हमें ध्यान रखना, कोई टेस्ट नहीं आता है। और ये जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। आपने कभी किसी पॉलीसेकेराइड को जल में हुए तैरते हुए देखा होगा, जैसे उदाहरण के रूप में बात करें हमारे लकड़ी जो होती है, लकड़ी का लट्टा आपने कई बार बारिश के टाइम पर नदियों में उसको बहते हुए देखा होगा, लेकिन उसमें वजन कितना बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन वो कितना ही गीला हो जाए लेकिन फिर भी वो पानी में नहीं डूबता। किसकी वजह से नहीं डूबता, तो वो हमारे सेलुलोज की वजह से नहीं डूबता, क्योंकि सेलुलोज के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो लकड़ी को डूबने नहीं देती, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं ये जो पेक्टिन जो होता है, पेक्टिन को आपने देखा होगा, ये जो होता है जितने भी हमारे आम हो गए जो कच्चे फल जो होते हैं वो हरा जो होता है उनके अंदर जो कठोरपन जो होता है वो पेक्टिन की वजह से होता है। और वो जो पेक्टिन जो होता है वो जैसे कच्चा फल अगर पानी में गिर जाता है तो वो जब तक वो पकता नहीं है तब तक वो फल को डूबने नहीं देता है। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, जल में अघुलनशील तथा स्वाद में ये कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है जो कार्य के अनुसार जो ये पॉलीसेकेराइड होते हैं कैसे होते हैं, पोषण तथा संरचनात्मक होते हैं। पोषण की बात करें, जो पोषण के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, तो जो पॉलीसेकेराइड होते हैं जो पोषण के रूप में इनका हम उपयोग में लेते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में बात करें हमारे स्टार्च हो गए, स्टार्च का उपयोग हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं। इसी प्रकार हम बात करें जो पेक्टिन जो होता है, ये पेक्टिन कच्चे फलों के अंदर पाया जाता है, और जैसे ये पक जाता है तो वो जो फल होते हैं वो पीले रंग में बदल जाते हैं, तो वो मुख्य रूप से उसमें कौन होता है, जो पेक्टिन जो कठोर होता है वो पिघल जाता है और वो पीले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन सभी का प्रयोग हम किस में रूप में करते हैं, पोषण के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में आता है संरचनात्मक अवयव होते हैं। अब संरचनात्मक अवयव किस किस के होते हैं, तो जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके कोशिका भित्ति पाई जाती है, उनकी कोशिका भित्ति में ज़्यादातर जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है, अगर हम बात करें जीवाणु के अंदर जो कोशिका भित्ति जो होती है वो हमारे पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जितने भी सारे पादप होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर कई सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे बात करें सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया,
इसके अतिरिक्त हम बात करें पेक्टिन हो गया, ये जितने भी मैंने नाम होते हैं सबके सब क्या होता है हमारे पॉलीसेकेराइड होते हैं, सबके सब क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड होते हैं। और ये जो कोशिका भित्ति होती है उसका यह मुख्य अवयव होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है संरचनात्मक अवयव होते हैं जीवों के, ये हमें ध्यान रखना है। अब जो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये दो फर्स्ट आते हैं पेंटोज पॉलीसेकेराइड, यानी कि जब हम इनकी संरचना बनाते हैं जिनके अंदर यदि पाँच वले वाली अगर कोई संरचना बनती है तो ऐसे पॉलीसेकेराइड को हम किस नाम से जानते हैं पेंटोसेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं पेंटोसेन के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें तो अरेबन हो जाएगा और जाइलिन हो जाएगा, केवल एग्जांपल याद रखना है। बाकी इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछी जाती, केवल और केवल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना। दूसरा आता है हेक्सोज पॉलीसेकेराइड कौन होते हैं, तो ऐसी हेक्सोज पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं हेक्सेन के नाम से जानते हैं। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, सेलुलोज हो जाएगा और स्टार्च हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है, यहाँ पर मैंने एक नोट डाल के लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट है कि ज़्यादातर, ध्यान से सुनना, ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड जीव की कहाँ पर पाए जाते हैं कोशिका भित्ति के अवयव होते हैं। किसके अवयव होते हैं, कोशिका भित्ति के ये अवयव होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अगर आपको मुख्य रूप से ये सारे जो मैंने एग्जांपल बता रखे हैं अगर आपको याद नहीं भी हो तो कोई समस्या नहीं है, इनको याद करने का आसान कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर जो मैंने लिखा हुआ नोट इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड जीव की कोशिका भित्ति के ये मुख्य अवयव होते हैं। अब जो कोशिका भित्ति जो होती है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम बात करें इनमें से मुख्य रूप से कौन कौन इनमें से जो हमारा कोशिका भित्ति का अवयव होता है, तो हम बात करें सेलुलोज जो होता है ये हमारे कोशिका भित्ति का अवयव होता है। काइटिन की बात करें तो ये कोशिका भित्ति का मुख्य रूप से अवयव होता है। इसी प्रकार हम बात करें जो हमारा हेमिसेलुलोज होता है ये कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो स्टार्च होगा ग्लाइकोजन होगा ये हमारे जो भोजन के रूप में ये कोशिका भित्ति या उनके अवयवों के रूप में ये क्या रहता है संग्रहित रहते हैं। जैसे हम बात करें स्टार्च जो हो जाएगा ये जितने भी पौधे होते हैं उनके अंदर भोजन जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में स्टार्च रहता है जो भोजन जो होता है वो किस रूप में भंडारित रहता है, तो स्टार्च के रूप में भंडारित रहता है। जीवों की बात करें तो जीवों के अंदर जो भोजन जो होता है वो यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, कवक के अंदर संग्रहित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, और डेक्सट्रिन जो होता है ये जीवाणु के अंदर जो भोजन होता है वो किस रूप में संग्रहित रहता है, तो वो डेक्सट्रिन के रूप में संग्रहित रहता है। तो ये मुख्य रूप से हमें ऐसे याद रखना है कि एक कॉन्सेप्ट के रूप में याद हो जाए, और एग्जाम के अंदर अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक हम उसके अंदर ऑप्शन दे रखे हो तो ऑप्शन के अनुसार हम हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आराम से निकाल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें याद रखना, ठीक है। तो नोट ये जो डाल रखा काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो जो पृथ्वी के अंदर जो जीव होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति का ये क्या होता है मुख्य अवयव होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां पर मैंने जीव जो शब्द लिया है वो मुख्य रूप से पादप और सूक्ष्म जीवों के सापेक्ष में लिया है, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। ये नहीं कि जीव के अंदर आप स्तनधारियों को भी लेकर आ जाओ तो स्तनधारियों के अंदर तो हमारे कोशिका भित्ति होती नहीं है तो उसका ये मुख्य अवयव होता ही नहीं, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। उसके बाद में आता है जो हमारे पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। इनकी जो संरचना होती है उस संरचना का अध्ययन के आधार पर इनको दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ऐसी संरचना जो एकलग या फिर हम बात करें ऐसी संरचना जो एक ही मोनोसेकेराइड की कई सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती है उनको तो हम होमो पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। होमो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है समान होता है, यानी कि ऐसी मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ जो कई सारी इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती हैं उसे हम होमो पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। और जब कई सारी अलग अलग मोनोसेकेराइड की इकाइयां आपस में जुड़कर एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है तो उसे हम हेटेरो पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। ये जो आपके सामने जो दोनों में एग्जाम्पल लिखे हुए ये एग्जाम्पल याद कर लेना, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि होमो पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या होता है हेटेरो पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या होता है, या फिर प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से दिए गए उदाहरण में से कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, कौन ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल है और कौन मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है, इनमें से भी प्रश्न आ सकता है। तो ये सारे के सारे जो लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट है, इन सभी के नाम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे लेकिन यहाँ पर आपने अलग अलग जगह सुने होंगे, यहाँ पर हमने सभी को एक जगह लिख दिया ताकि आपको सभी चीज़ याद हो जाए। तो सबसे पहला कौन सा आता है हमारा सेल्यूलोज आता है, उसके बाद में स्टार्च आता है, फिर ग्लाइकोजन, फिर काइटिन, फिर इनुलिन और एक आता है हमारे डेक्सट्रो। जो इनुलिन जो होता है ये मुख्य रूप से हमारे डहेलिया का जो पौधा होता है उसमें पाया जाता है, और ये इनुलिन जो होता है ये हमारे जो फ्रक्टोज जो होता है उसका ये क्या होता है बहुलक होता है। यदि हम इनुलिन के अगर स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे तब इसकी कई सारी इकाइयाँ जो होगी वो फ्रक्टोज से मिलकर बनी होगी और फ्रक्टोज की कई सारी इकाइयाँ मिलकर हमारे इनुलिन का निर्माण करती है, ये हमें ध्यान रखना है। ये अभी हम थोड़ी देर बाद में आगे पढ़ेंगे जब इनके बारे में जो स्पेसिफिक पॉइंट है उनका अध्ययन करेंगे तब
अब हम आगे देखेंगे। उसके बाद में आता है हमारा हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है, तो ऐसी मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ, ऐसी मोनोसेकेराइड की असमान इकाइयाँ जो कई सारी इकाइयाँ आपस में मिलकर जिस पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है उसे हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो इसके अंदर नंबर फर्स्ट पर आता है हाइल्यूरोनिक अम्ल, कोंड्रियोन प्रोटीन। अब ये कोंड्रियोटीन क्या होता है, तो जो हमारे अस्थियाँ जो होती हैं, अस्थियाँ और उपास्थियाँ हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, वहाँ पर कुछ पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं, उनको हम कोंड्रियोटीन के नाम से जानते हैं। हिपेरिन की बात करें, हिपेरिन कहाँ पर पाया जाता है, जो मानव का जो रक्त होता है उसके अंदर हिपेरिन पाया जाता है, और हिपेरिन का जो मुख्य कार्य होता है ये रक्त का स्कंदन नहीं होने देता है, यानी कि अगर हमारे शरीर जो हमारे शरीर के अंदर जो नलिकाएँ होती हैं उन जो ब्लड ट्यूब्स जो होते हैं जिनमें रक्त बहता है उन अगर ट्यूब्स के अंदर ये हिपेरिन जो पदार्थ होता है वो रक्त को जमने से रोकता है। एक बीमारी का नाम सुना होगा आपको, ब्रेन हेमरेज। आपने बीमारी का नाम सुना होगा ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है, जो रक्त नलिका होती है उसके अंदर रक्त जम जाता है और वो ब्रेन हेमरेज की वजह से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो उस ब्रेन हेमरेज को रोकने में जो महत्वपूर्ण किरदार निभाता है वो कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है, हिपेरिन ये निभाता है, ये हमें ध्यान रखना। और ब्रेन हेमरेज को प्रमोट कौन करता है, तो विटामिन के होता है जो क्या करता है, उसको प्रमोट करता है, यानी कि वो रक्त नलिका के अंदर रक्त का जो थक्का जो होता है वो उसको बढ़ावा देता है कि नहीं रक्त नलिका के अंदर रक्त जमेगा तो किसकी वजह से जमेगा, वो हमारे विटामिन के की वजह से जमेगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना। हालांकि जब हम ब्लड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं और विस्तार से बता दूंगा किस प्रकार से रक्त का थक्का जमता है, कितनी प्रक्रियाओं में जमता है, उसका रासायनिक संगठन क्या होता है, और जब हमें चोट लगती है तो हम वो जो थक्का जमता है वो कितने चरणों में जमता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हीमोफीलिया बीमारी में किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, वो सारा हम वहां पर देख लेंगे, ठीक है ना। ये हिपेरिन से संबंधित जानकारी होता है। उसके बाद में आता है पेक्टिन। पेक्टिन का मैंने पहले बता दिया था, जो कच्चे जो फल होते हैं उनमें पेक्टिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जैसे हम बात करें आम हो गए, अमरूद हो गए, और जेली बनाने के लिए हम पेक्टिन का ही पेक्टिन वाले पदार्थों का उपयोग करते हैं। हेमिसेलुलोज की बात करें तो हेमिसेलुलोज मुख्य रूप से हमारे कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है, यह हम सभी जानते हैं। तो इसके साथ में हमारे पॉलीसेकेराइड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आती है वो एक स्लाइड में कंप्लीट होती है। अब हम पर्टिकुलर ये जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इन एग्जाम्पल का विस्तार से अध्ययन करते हैं कि इनके और क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो आइए उनका अध्ययन करते हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इनका अध्ययन करते हैं। तो अगला जो हमारा अध्ययन का बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, होमोपॉलीसेकेराइड। इसके बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था, अब हम होमोसेकेराइड के अंदर आने वाले जितने भी प्रमुख एग्जाम्पल थे उनके बारे में जो की पॉइंट है जो एग्जाम में सीधा सीधा उनसे प्रश्न पूछा जाता है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो सबसे पहले आता है सेलुलोज, फिर आता है स्टार्च, फिर आता है ग्लाइकोजन, फिर आता है काइटिन, और फिर आता है हमारे इनुलिन। ये पांचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जाता है, इसीलिए मैंने नोट्स जो बनाए हैं वो प्रॉपर इस प्रकार से बनाए हैं जिनसे सीधा सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्ययन के अंदर सेलुलोज की। सेलुलोज की बात करें साथियों तो ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये मुख्य रूप से हमारे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की ये एक अलग इकाइयों से मिलकर बना होता है। जो सेलुलोज होता है जब इसका हम अपघटन करते हैं तब हमें अंतिम रूप जो मोनोसेकेराइड की जो कई सारी इकाइयां प्राप्त होगी वो किसकी इकाइयां प्राप्त होगी, ग्लूकोज की कई सारी इकाइयां प्राप्त होगी, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है कि सेलुलोज किन मोनोसेकेराइड की कई सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज की कई सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, इससे परीक्षा के अंदर तीन महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हमें ध्यान रखना है। पहला प्रश्न आता है कि सेलुलोज का जब हम अपघटन करते हैं तब आंशिक अपघटन होने पर यानी कि पार्शियल डिकम्पोजिशन होने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें सेलुलोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज प्राप्त होता है। तो आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसके अपघटन पर, आंशिक अपघटन पर हमें सेलुलोज प्राप्त होता है, तो कौन हो जाएगा, हमारा सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है जो सेलुलोज होता है ये क्या होता है, जो कोशिका जो भित्ति होती है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला जो अवयव होता है वो कौन सा होता है, सेलुलोज होता है, ये भी हमें ध्यान। और इवन हम बात करें पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। कौन सा होता है, सेलुलोज होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसी को हम क्या देंगे, फर्स्ट रैंक देंगे। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा हमारे सेल्यूलोज। कौन सा हो जाएगा? सेल्यूलोज। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड इधर लिखा हुआ, सेकंड कौन सा होता है? काइटिन होता है। ये अब किस में होता है वो अभी हम थोड़ी देर बाद में मैं आपको समझा दूंगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो तीनों के तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि जो कपास का जो रेशा होता है, कपास का रेशा आप सभी ने देखा होगा सफ़ेद रंग का होता है। कपास का जो रेशा होता है, कपास के जो रेशा जो होते हैं उसमें लगभग 95% के आसपास क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। कपास का जो रेशा होता है सफ़ेद रंग का, उसके अंदर लगभग 95% के आसपास जो होता है वो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सेल्यूलोज पदार्थ पाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। और मैंने कुछ देर पहले लकड़ी का जो लट्ठा होता है उसका जिक्र किया था, वो पानी में तैरता रहता है। तो जो लकड़ी का जो लट्ठा जो होता है उसके अंदर जो सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 50%। कितना प्रतिशत पाई जाती है? 50% के आसपास लकड़ी का जो कास्ट जो होता है, सूखा हुआ जो कास्ट होता है उसके अंदर कितने प्रतिशत सेलुलोज पाया जाता है? तो 50% पाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो जो पांचों प्रश्न जो मैंने बताए हैं सेलुलोज से संबंधित, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहला, आंशिक अपघटन पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? सेलुलोज। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है हमारे सेलुलोज। अलग अलग जब जैसे जैसे हम जैव रसायन पढ़ेंगे तो उन सभी के अलग अलग आता है। जैसे बात करें अगर ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के ओवरऑल कार्बनिक पदार्थ में पूछे तो कौन हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें प्रोटीन के अंदर, बात करें ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो एक प्रोटीन होता है कोलेजन प्रोटीन होता है, जो जंतु के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है। इसी प्रकार हम बात करें एंजाइम की बात करें तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रुबिस्को एंजाइम। जब हम एंजाइम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पर मैं और वो बता दूंगा अच्छे से। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो कार्बनिक पदार्थ आता है वो आता है कौन सा आता है? स्टार्च। कौन सा आता है? स्टार्च। नेक्स्ट आता है स्टार्च। स्टार्च की यदि हम बात करें, स्टार्च जो बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज के समान ही बना होता है, ग्लूकोज की ये एक अलग कई सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। जब हम स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तब हम अंतिम रूप से जो मोनोसेकेराइड की कई सारी इकाइयां प्राप्त होगी वो कौन सी प्राप्त होगी? ग्लूकोज की प्राप्त होगी। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, ये मैंने कल भी बताया था, पादप के अंदर जो भोजन संचित रहता है वो किसके रूप में रहता है? तो वो स्टार्च के रूप में रहता है। स्टार्च की यदि हम थोड़ा अपर लेवल पर चलें, इसका परिवहन किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। और सुक्रोज जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? तो वो ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ये हमने ओलिगोसैकेराइड में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, जब हम स्टार्च का परीक्षण करते हैं, जब जनरली जो स्टार्च जो होता है उसके परीक्षण के लिए हम एक आयोडीन परीक्षण करते हैं। किसका परीक्षण करते हैं? आयोडीन परीक्षण करते हैं। तो उस परीक्षण के दौरान स्टार्च जो होता है वो कौन सा रंग देता है? तो कौन सा रंग देता है? नीला रंग देता है। ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो आयोडीन वाला जो परीक्षण है, ये आपने जब दूध के अंदर स्टार्च की मिलावट कर दी जाती है तब उसके लिए जो परीक्षण करता है वो कौन सा करता है? आयोडो परीक्षण, या फिर उसको हम आयोडीन परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो उसके अंदर भी कौन सा रंग आता है? नीला रंग आता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो स्टार्च से संबंधित तीन जानकारी यहां पर हमारे कवर होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होमोपॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। इसके अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना है? तो जो ग्लाइकोजन जो होता है इसी को हम जंतु स्टार्च के नाम से जानते हैं। जो स्टार्च जो नॉर्मल जो स्टार्च होता है जो पादपों के अंदर पाया जाता है भोजन संग्रह के रूप में, इसको हम पादप स्टार्च या फिर केवल नॉर्मल स्टार्च के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर पूछे जाए कि जंतु स्टार्च किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं? ग्लाइकोजन को कहते हैं। अब ग्लाइकोजन को क्यों कहते हैं? तो जो मानव का जो शरीर होता है इसके अंदर जो यकृत जो होता है उसके अंदर जो हम जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, कोई भी हम चीज़ खाते हैं, तो उसमें से जो ग्लूकोज जो होता है वो अगर अत्यधिक मात्रा में उसके अंदर ऊर्जा होती है तो वो ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन के रूप में। वो ऊर्जा ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन के रूप में और वो संग्रहित हो जाती है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। जो यकृत या फिर जो लीवर होता है वहाँ पर जाकर ये जम जाता है। और जब हम उपवास का व्रत रहते हैं तब उस दौरान जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? ग्लाइकोजन से मिलती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो मनुष्य में जो संचित भोजन पदार्थ देता है किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जंतु स्टार्च के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हम बात करें जो कवक जो होता है, कवक के अंदर जो संग्रहित भोजन रहता है वो किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं, जब हम
ग्लाइकोजन का परीक्षण करते हैं आयोडीन विलयन के साथ में, तब कौन सा रंग आता है, तो तब आता है हमारे लाल रंग आता है। कौन सा रंग आता है, लाल रंग आता है, इंपॉर्टेंट है ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम केवल स्टार्च का परीक्षण करते हैं तो नीला रंग आता है, अगर हम ग्लाइकोजन का परीक्षण करते हैं आयोडीन के साथ में तब कौन सा आता है, लाल रंग आता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी होती है तीन हमारे होमोपॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, जो हमें मूल रूप से पता होना चाहिए। अगला आता है हमारे काइटिन। काइटिन के साथ यदि हम बात करें, काइटिन जो होता है ये किसमें पाया जाता है, तो हम बात करें कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा यदि हम बात करें जो कीटों की जो भित्ति जो होती है, कीटों की जो बाह्य भित्ति होती है वो भी किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है, ये हमें ध्यान रखना। इसी कारण से कवक की जो कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, इसी कारण से इसको फंगल सेल्यूलोज के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भित्ति को फंगल सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है, काइटिन को जाना जाता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला बिंदु आता है हमारे, ये पृथ्वी पर दूसरे नंबर का सर्वाधिक कार्बनिक यौगिक है जो उपस्थित है, ये हमें ध्यान रखना। अब ये सेकंड नंबर पे इसकी रैंक कैसे आती है वो हम देख लेते हैं। जनरली हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कवक की। कवक जो होते हैं वो किस एनवायरनमेंट में ज़्यादा पनपते हैं, किस एनवायरनमेंट में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से हमारे जहाँ जहाँ पर इनको आर्द्रता देखने को मिलेगी वहाँ वहाँ पर ये स्वतः से उगाते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे ही बरसात का सीजन आएगा, बरसात के सीजन में जैसे आसपास थोड़ी बहुत भी गंदगी हुई या फिर कचरा वचरा दिखाई देगा तो वहाँ पर आपको कवक की वृद्धि देखने को मिल जाएगी। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, जो हमारे गोबर होता है या जो गोबर की जो खाद होती है वहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो जाने की वजह से वहाँ पर छतरियाँ उगाती है, जिसको हम सांप की छतरी के नाम से जानते हैं, ग्रामीण भाषा में इसको सांप की छतरी के नाम से जानते हैं। हालांकि वो कवक होता है तो उसमें उसकी अत्यधिक वृद्धि होती है, तो वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और एक आपने नाम सुना होगा मशरूम का, नाम सुना होगा, मशरूम भी हमारे कवक का प्रकार होता है। एक क्लास आती है जब हम मशरूम के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर वो डिटेल से देखेंगे। मशरूम की जो भी भित्ति होती है वो भी काइटिन से बनी होती है, और आजकल मशरूम का ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसके ऊपर ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है। तो जितने ज़्यादा कवक उपलब्ध रहेंगे तो उनकी जो कोशिका भित्ति होगी वो भी उतने हमको काइटिन का देखने को ज़्यादा मिलेगी, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद में आता है कीटों की बारी आती है। कीटों की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर यदि हम ओवरऑल जितने भी हमारे ऑर्डर होते हैं, जैसे बात करें हम जो व्हाइटेकर जो वैज्ञानिक थे, पंच जगत प्रणाली उनके द्वारा विकसित की गई थी, तो उसके उनके द्वारा जो हम जितने भी जंतु जो होते हैं उन सभी को एक किंगडम में रखा गया था, जिसको हम एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। और एनिमल किंगडम को फिर आगे जाकर दो भागों में विभाजित किया जाता है, वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट, जिसके अंदर मुख्य रूप से हमारे जो मुख्य रूप से इसके अंदर आते हैं सिलेंट्रेटा आ जाता है, प्लेंटी हेलमेंथिज आ जाता है, ऑर्थोपोडा संघ आ जाता है, एनालिडा आ जाता है, मोलस्का आ जाता है, ये वाले संघ आ जाते हैं। और उसके बाद में जो अपर लेवल के जो जीव होते हैं उनके लिए मुख्य रूप से हम बात करें एवीज आ जाता है, मेमल्स आ जाता है, ये मनुष्य जो होता है स्तनधारी जो होते हैं वो मेमल्स के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ग आ जाते हैं, उसमें से एक संघ आता है ऑर्थोपोडा संघ आता है। कौन सा संघ आता है, ऑर्थोपोडा संघ आता है। और ऑर्थोपोडा संघ पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो जीव पाए जाते हैं वो किस संघ के अंदर आते हैं, तो वो ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं। और जो कीट जो होते हैं वो किस संघ के अंदर आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो कीटों की जो भित्ति होती है, कीट अनंत प्रकार के होते हैं और कीटों के कई सारे प्रकार भी होते हैं, तो सभी कीटों की जो ऊपर की जो भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जब संयुक्त रूप से जोड़ दिया जाता है तब हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में दूसरे नंबर का जो कार्बनिक यौगिक होता है वो कौन सा होता है, काइटिन बन जाता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जो पूरी रामायण बताई इतना तो आप याद नहीं रखोगे तो कोई समस्या नहीं, केवल आपको जो यहाँ पर जो फैक्ट लिखे हुए हैं वो याद होने चाहिए मुख्य रूप से। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट आता है हमारा एनुलिन के बारे में। एनुलिन की बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है, तो इधर की यदि हम बात करें तो इधर में मुख्य रूप से ये किससे मिलकर बने थे, ग्लूकोज से मिलकर बने थे। और ये वाला जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है, फ्रुक्टोज की कई सारी मोनो इकाई या फिर फ्रुक्टोज की कई सारी एकल इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब उदाहरण की बात करें या फिर ये किस में उपस्थित होता है, तो डहेलिया एक पादप होता है और एक होता है आर्किड या फिर आर्किड की जो आर्किड पौधे की जो जड़ें होती हैं उनके अंदर कौन पाया जाता है, इनुलिन पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और सबसे छोटी संग्रहित शर्करा के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है। अगर हम बात करें जो अभी हमने देखा, जैसे सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो इनुलिन जो पॉलीसेकेराइड होता है ये सबसे छोटी संग्रहित
शर्करा होती है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर शर्करा की जगह हो, यहाँ पर ध्यान रखना है पॉलीसेकेराइड के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? पॉलीसेकेराइड के अंदर आ जाएगा। तो ये प्रश्न बन जाएगा सबसे छोटी संग्रहित पॉलीसेकेराइड कौन होता है, तो इनुलिन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये एकमात्र ऐसी पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है जो क्या होती है, जल में घुलनशील होती है, ये हमें ध्यान रखना है अपवाद के रूप में। ये हमें ध्यान रखना है अपवाद के रूप में, अपवाद के रूप में ध्यान रखना है कि जल में घुलनशील कौन होता है, तो वो इनुलिन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारे होमोपॉलीसेकेराइड से संबंधित जो भी एग्जांपल थे, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, वो हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हेटरोपॉलीसेकेराइड के बारे में अध्ययन करते हैं, उनसे जुड़े हुए कौन कौन से फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना है, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो साथियों, अगला जो हमारा अध्ययन का बिंदु आता है वो उसका नाम होता है हेटरोपॉलीसेकेराइड। क्या नाम होता है उसका? हेटरोपॉलीसेकेराइड होता है। हेटरोपॉलीसेकेराइड के अंदर हमें मुख्य रूप से इनके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, उनके नाम मुख्य रूप से पहले पता होना चाहिए, उनके बाद में इनके एक एक दो दो पॉइंट फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, वो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर आता है हाइलुरोनिक अम्ल, कोंड्रियोटीन, हिपेरिन, पेक्टिन और एक आता है हमारे हेमीसेल्युलोज। इनमें से मुख्य रूप से आपने हेमीसेल्युलोज, पेक्टिन, हिपेरिन इन तीनों का नाम तो सुना होगा। दो आपके लिए नए हैं, एक तो हो जाएगा हाइलुरोनिक अम्ल और एक हो जाएगा हमारे कोंड्रियोटीन नए हो जाएगा। तो इनके बारे में मुख्य रूप से हमें अधिक जानकारी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब हाइलुरोनिक अम्ल। हाइलुरोनिक अम्ल जो होता है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये मुख्य रूप से हमारे जितने भी योजी ऊतक होते हैं और संधियाँ जो होती है, टेटिस जो होती है वहाँ पर, या फिर जॉइंट जो होते हैं वहाँ पर कौन सा अम्ल पाया जाता है या कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारे हाइलुरोनिक अम्ल पाया जाता है। अब ये योजी ऊतक कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य रूप से हम बात करें जो संयोजी ऊतक जो होता है, जैसे हम बात करें रक्त हो गया, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, तो वो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग का काम करता है। तो वहाँ पर कौन सा हमें पॉलीसेकेराइड मिलेगा? हाइलुरोनिक पॉलीसेकेराइड मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो हमारा हाइलुरोनिक अम्ल जो होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जंतु सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम 5 स्टार से सम्मानित करेंगे कि जंतु सीमेंट किसको कहा जाता है? तो हाइलुरोनिक अम्ल को। और पादप सीमेंट किसको कहा जाता है? तो पादप सीमेंट जो होता है वो मध्य पटलिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसको हम पादप सीमेंट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है प्लांट सीमेंट। और एनिमल सीमेंट किसे कहते हैं? तो ये हमें ध्यान रखना है। इस पर दोनों पर 5 स्टार लगाना, हो सकता है कि सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किस शर्करा को पादप सीमेंट के नाम से जानते हैं? तो पेक्टिन। और पेक्टिन के अंदर जो होता है वो मध्य पटलिका का निर्माण कौन करता है? पेक्टिन करती है, हमें ध्यान रखना है। और जंतु के अंदर हमें ध्यान रखना है जो हमारा हाइलुरोनिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, जंतु सीमेंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हमारा कोंड्रियोटीन आता है। कौन आता है? कोंड्रियोटीन। कोंड्रियोटीन भी कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है योजी ऊतक में पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो कोंड्रियोटीन जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? टेंडन तथा अस्थियों का ये क्या होता है, मुख्य घटक होता है। ये क्या होता है? टेंडन और अस्थियों का मुख्य घटक होता है। अब टेंडन क्या होता है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम जब ऊतक वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम टेंडन और एक होता है लिंगामेंट, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और जो अस्थियाँ जो होती है, जैसे हम बात करें अस्थियाँ, फिर आगे जाकर दो प्रकार की हो जाती है। एक तो आ जाती है लाल अस्थि मज्जा और एक आती है फिर सफ़ेद अस्थि मज्जा। जो लाल अस्थि मज्जा जो होती है वो मुख्य रूप से हमारा जो रक्त का जो निर्माण होता है, आरबीसी जो बनती है वो कहाँ पर बनती है? तो लाल अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ पर बनती है? लाल अस्थि मज्जा में बनती है। और ये जो अस्थियाँ जो होती है किस प्रोटीन की बनी होती है? तो ये ओसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये जो अस्थियाँ जो होती है ये ओसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जब हम प्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब जो इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से जो प्रोटीन है उनका मैं सेपरेट से एक क्लास ले लूंगा, तो उसके अंदर आपको सारे प्रोटीन के नाम वहाँ पर मैं लिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? एक तो हमारे अस्थियाँ और टेंडन का मुख्य घटक कौन होता है? तो वो हो जाएगा कोंड्रियोटीन हो जाएगा, कोंड्रियोटीन, ठीक है ना। और ये जो अस्थियाँ होता है इनको मुख्य रूप से हम इंग्लिश के अंदर अस्थियों को मुख्य रूप से हम बोन मेरो को नाम से जानते हैं। और एक टर्म और आता है उपास्थियाँ। उपास्थियों को हम मुख्य रूप से कोंड्रियोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अस्थियाँ जो होती हैं इनको तो हम इंग्लिश में बोन मेरो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बोन मेरो। इनको तो हम बोन मेरो के नाम से जानते हैं। और जो एक दूसरा शब्द आता है हमारे पास में उपास्थियाँ, कौन सा आता है? उपास्थियाँ। उपास्थियाँ जो होती है इनको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो कोंड्रियोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
कोंड्रियोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है इनको? कोंड्रियोन के नाम से जाना जाता है। तो इसी के नाम का आधार पर याद रख लेना कोंड्रियोटिन, ठीक है ना, ये थोड़ा कनेक्शन मिल जाएगा तो आप आसानी से याद कर लोगे। उसके बाद में अगला आता है हमारा हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है, ये मैंने पहले बता दिया था। ये कहाँ पर पाया जाता है? रक्त में उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये रक्त नलिका में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। और ये जो थक्का जो जमने से रोकता है, ये कहाँ पर रोकता है? ये रक्त नलिका में रोकता है। कहाँ पर रोकता है? रक्त नलिका में, रक्त नलिका में ये रक्त के थक्के को जमने से रोकता है। यानी कि रक्त अगर जम जाता है तो उसको रक्त नलिका में कौन रोकेगा? हिपेरिन रोकेगा। और जैसे हमें चोट लग जाती है तब क्या होता है? हिपेरिन जो होता है, ये इसका एक फीचर ये भी होता है, हिपेरिन जो होता है जैसे वायु के कॉन्टैक्ट में आता है ये अपना आपको मार देता है या फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही हिपेरिन जो होता है वो वायु के संपर्क में आता है ये मर जाता है, और उसके बाद में हमारे रक्त का थक्का लगना, जो रक्त का जो थक्का जो होता है वो जमना स्टार्ट होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमारी कोई भी अंगुली कट गई और अंगुली कटने पर वहाँ से खून रक्त बाहर निकल रहा है, तो जिस जगह चोट लगती है वहाँ पर अगर हिपेरिन उपस्थित होगा तो वो क्या होगा? वो रक्त के साथ में बाहर निकलेगा। वो जैसे वो वायु के कॉन्टैक्ट में है, वो वहां से मर जाएगा। उसके बाद में जो रक्त का जो थक्का जो जमना स्टार्ट होता है वो चार प्रक्रिया के अंदर पूर्ण होता है। तो वो कितने प्रक्रिया में स्टार्ट होता है? तो वो चार प्रक्रिया में पूर्ण होता है। वो जब रक्त वाला जन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं वहां पर अच्छे से बता दूंगा। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमने से रोकता है, यह हमें ध्यान रखना है। और साथ में रक्त का थक्के के अलावा मनुष्य के अंदर जो हेमरेज जो बीमारी होती है, जिसमें मुख्य रूप से मैंने बताया था ब्रेन हेमरेज में भी क्या होता है? रक्त नलिका के अंदर क्या हो जाता है? रक्त जम जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी नलियां जो होती है रक्त नलिकाएं वो ब्लॉक हो जाती है और व्यक्ति की वहीं मृत्यु हो जाती है। तो हेमरेज का अगर उपाय क्या हो जाएगा? तो वो कौन हो जाएगा? हिपेरिन हो जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पेक्टिन। पेक्टिन की बात करें तो इसका मुख्य जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये कहाँ पर पेक्टिन अधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है ये जानना चाहें तो ये हो जाएगा कच्चे फल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है? वो हो जाएगा हमारे पेक्टिन हो जाएगा। और पेक्टिन जो होता है ये किसका निर्माण करता है? तो मध्य पटलिका का निर्माण करता है। और इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मिलकर मध्य पटलिका का निर्माण करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? पादप सीमेंट के नाम से जानते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जंतु सीमेंट और पादप सीमेंट दोनों में हो सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में आता है हमारा हेमीसेलुलोज। उसके बाद में कौन आता है? हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज जो होता है ये किसका घटक होता है? तो कोशिका भित्ति का घटक होता है। तो कोशिका भित्ति का मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं, कौन कौन से? पहला हो जाएगा सेलुलोज, दूसरा हो जाएगा हेमीसेलुलोज, तीसरा हो जाएगा एक हमारा पेक्टिन हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा हमारे एक काइटिन भी जो होता है। वो क्या होता है? सेल वॉल का मुख्य घटक होता है, जो मुख्य रूप से कवक और कीटों के अंदर पाई जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है। और जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो आज के सेशन में हमारे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम प्रोटीन या फिर लिपिड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर आज का सेशन कैसा लगा है, और अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।